मैं कविता और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कविता चेयर पे हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मैगी के पकौड़े। बारिश में चाय की चुस्की के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद लेना किसे पसंद नहीं आता है, और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। तो चलिए आज कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। ओपन करेंगे और पैन में 180 ml वाटर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके पैकेट्स में पैकेट्स के पीछे 210 ml वाटर लिखा है, लेकिन इस मैगी को हमें ओवर कुक नहीं करना है ताकि इसका क्रिस्पीपन जो है वो बना रहे। ये देखिए पानी जो है वो हल्का बॉइल हो चुका है। अब इसमें हम ये नूडल्स जो है वो ऐड करेंगे। ये देखिए मैगी जो है यहाँ पे हाफ बॉइल हो चुका है और इसमें हल्का मॉइस्चर बाकी है, इसलिए इसको हम ठंडा होने के लिए अभी यहीं पर छोड़ देंगे। तो ठंडा होने के लिए यहाँ छोड़ देंगे जिससे जो इसका बचा हुआ पानी है इसी में डिजॉल्व हो जाए। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ एक पैन में हम मैगी का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इस पकोड़ों को हेल्दी और मोर टेस्टी बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स चॉप किए जिन्हें हम इस बॉल में शिफ्ट कर देंगे। ये है ये चॉप कैबेज हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब थोड़ी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा चॉप्ड कैरेट ऐड करेंगे। अब हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इसमें चने का आटा यानी बेसन ऐड करेंगे। इसका क्रिस्पीपन कुरकुरापन बनाए रखने के लिए इसमें हम चावल का आटा 2 चम्मच ऐड करेंगे। अगर पास आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह सूजी या कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। स्वादानुसार थोड़ा मैगी का मसाला ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पास्ता मसाला भी ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाए। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे जो कि आपको पता है कि बिल्कुल भी हॉट नहीं होती है। अब थोड़ा इसको हाथ से मल के अजवाइन जो है वो ऐड करेंगे। अजवाइन डालने से क्या होता है कि इसका जो पाचन है वो डाइजेशन है वो इजीली हो जाता है। अब इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि आपको पता है कि सभी मसालों में भी इसमें ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। और लास्ट में थोड़ा सा बारीक चॉप्ड हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी सूखी पुदीना की पत्तियां ऐड करेंगे। यहाँ देखिए ये मैगी जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब इस मैगी को हम इस बॉल में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए शिफ्ट करने के बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी जोर लगाएंगे जो नूडल्स तो हैं जो हैं वो टूट सकते हैं। यहाँ देखिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम इसे इस मिक्सर के ऑयल जो है वो हीट हो चुका है। अब इसमें हम छोटे छोटे बॉल्स बना के इस ऑयल में ऐड करेंगे। अब इन पकौड़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पे हम तल लेंगे। इसको आप हम अब इन पकोड़ों को हल्के हल्के हाथों से हम पलट लेंगे। देखिए ये पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम एक बड़ी छलनी में निकाल लेंगे। छलनी में इसलिए हम निकालेंगे, इससे क्या होगा इसकी एयर पास होगी और ये लंबे समय तक कुरकुरे बने रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे क्रिस्पी मैगी के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इसे सर्व कर लिया है और अब आप भी इसे घर पर बनाइए और पूरे परिवार के साथ इसका आनंद लीजिए और अपना
अपना अनुभव जो है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए।